हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू आर गुड। तो देखो, मलयालम इंडस्ट्री में एक ऐसा स्टार है जिसका मूवी सिलेक्शन बाप लेवल का होता है। मैं बात कर रहा हूँ दुलकर सलमान की, जैसे सीताराम, महांती, चार्ली, कारवा, चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, 100 Days of Love एंड किंग ऑफ कोटा देख लो। और इन सभी मूवीज में इनका परफॉर्मेंस भी बाप लेवल का है। तो एक और ऐसा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली मूवी आ रही है, लक्की भास्कर, जिसका ट्रेलर रिसेंटली यूट्यूब पे ड्रॉप हुआ है। तो कैसा है ट्रेलर, आओ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो वेल, हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द बॉस स्टार। तो भाई लोग, दुलकर सलमान एंड मीनाक्षी चौधरी स्टार लक्की भास्कर एक तेलुगु लैंग्वेज ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो अपने ओरिजिनल लैंग्वेज के साथ मलयालम, तमिल एंड हिंदी में भी रिलीज होगा। इसके राइटर एंड डायरेक्टर वेंकी अतलूरी है, जिसने रंग दे, थोली प्रेमा एंड मिस्टर मजनू जैसे इंटरटेनिंग फिल्म डायरेक्ट की है। तो लक्की भास्कर का ट्रेलर इंगेजिंग और इंटरटेनिंग लगा। बात करें इसके स्टोरी के बारे में, तो फिल्म 1980s के टाइम पे सेट है, जहां पे भास्कर प्लेड बाय दुलकर सलमान एक ऑर्डिनरी बैंक कैशियर होते हैं, जिसका लाइफ एक मिडिल क्लास जैसा नॉर्मल और धक्के मुक्के खाते हुए हैप्पीली चल रहा होता है। बट भास्कर की लाइफ अचानक तब टर्न लेता है जब उसे बहुत सारा पैसा मिलता है और ये खुद को लक्की भास्कर समझने लगता है। बट ये पैसा तब और मिस्टीरियस बन जाता है जब उसे मालूम चलता है ये पैसा उसका है नहीं, बल्कि किसी अननोन सोर्स से आया है। देन भास्कर इस पैसे के पीछे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें भास्कर की वाइफ सुमति प्लेड बाय मीनाक्षी चौधरी हमेशा उसके साथ होती है। एंड टीजर ट्रेलर से ये समझ आ रहा है कि ये सारा पैसा बैंक हाइस्ट का होने वाला है, जिसके पीछे किसी पावरफुल माफिया क्रिमिनल्स का हाथ है। ट्रेलर से काफी इंटरेस्टिंग वाइब आ रहा है एंड साथ में फैमिली का जो एंगल है, थोड़ा इमोशनल सीन भी होने वाला है। तो भास्कर कैसे खुद को निकालेगा अब इस प्रॉब्लम से और क्या कुछ होगा, ये सब जानने के लिए हमें और आपको 31 अक्टूबर को बैंक नहीं बल्कि थिएटर्स में जाना होगा। देखो ट्रेलर से तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए कि कैसे एक मिडिल क्लास बंदा प्रमोशन होने के बाद अपनी वाइफ के साथ बॉम्बे आता है, देन कितनी प्रॉब्लम को फेस करता है, फिर अचानक अमीर बन जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वापस प्रॉब्लम से गिर जाता है। एंड दूसरी और सबसे अच्छी बात ट्रेलर की, मुझे ये लगा कि ट्रेलर बहुत ही प्योर एंड नेचुरल सा फील हुआ। कोई फालतू का बीएफएक्स सीजीआई का ज्यादा लिपा पोती नहीं, एंड डीएस का परफॉर्मेंस हमें ट्रेलर से और कनेक्ट कर रहा था। एंड स्पेशली जो ये मुंबई का 80s 90s का सेट दिखाया, लोगों ने देखने में काफी ज्यादा रियल फील हो रहा है एंड इट वॉज ऑसम एंड कूल। एंड जाते जाते लास्ट में जो एक लाइन बोलता गया भाई भास्कर, वो और अच्छा था कि भाई आई एम नॉट बैड, आई एम जस्ट रीच। बाकी आपको कैसा लगा ट्रेलर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तभी तो जब मैं इसके मूवी का रिव्यू अपलोड करूंगा तो आप देख पाओगे। तो सब्सक्राइब, शुक्रिया एंड बाय।